तो स्वागत है आपका आज के नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और इसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। और आपके कोई डाउट कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 253। तो AP अपने वो दे रखी है 3, 8, 13 डेस 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 253। तो ये AP अपने को दे दिया और इसकी अपने को 20th टर्म निकालनी है लास्ट से, ठीक है, फ्रॉम लास्ट। तो यहाँ पर अपने को सिंपली क्या करना है, अपने को कर देना है AP को रिवर्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि फ्रॉम द लास्ट ये टर्म फाइंड आउट करो या ये टर्म फाइंड आउट करो, जो भी लास्ट में से अगर बोले तो अपने को रिवर्स कर देना है AP को। तो रिवर्स द AP, तो AP क्या हो जाएगी, जो सबसे लास्ट में टर्म है वो आ जाएगी सबसे पहले। तो ये आ जाएगा 253, ठीक है, डैश डैश डैश, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 3। तो अभी अपने पास में AP जो है वो ये हो गई। ओके, तो इस AP के अकॉर्डिंग अपने पास में A इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 253। और D इज इक्वल टू, D में क्या करते हैं अपन, जस्ट आगे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। तो या तो 3 में से 8 को माइनस कर दो या 8 में से 13 को माइनस कर दे दो। तो 8 में से अगर अपन 13 को 3 में से 8 को माइनस माइनस करेंगे तो ये अपने पास में D आ जाएगा -5। ओके, और n जो है वो हो जाएगा 20, क्योंकि अभी जो ये जो n का वैल्यू है ना वो अभी अपने पास में आगे से 20 हो जाएगा, क्योंकि अपन ने AP को रिवर्स कर दिया। तो n इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो अब अपने को फाइंड आउट क्या करना रहेगा, 820 फाइंड आउट करना रहेगा। तो अपने पास में AN का फॉर्मूला होता है, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई D। तो 820 को अपन लिख सकते हैं A प्लस 19 D। तो यहाँ पर हो जाएगा 820 इज इक्वल टू A अपने पास में है 253। सो 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई -5। ओके, सो 253, 19 5 जा 95 और माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा -95। सो 253 में से अपन माइनस कर देंगे 95 को। सो 13 -5 8 एंड 14 -9 5 एंड यहाँ पे बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 158। सो द आंसर इज 158। मतलब ये जो टर्म है 820 वो अपने पास में 152 58 आ गए। तो अभी अपन बोल सकते हैं कि 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158। सो दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, सो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें।